नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल मंत्रा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के एक और अध्याय के बारे में, जिसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति को अपने पक्ष में कैसे करें, जिसमें हम बात करेंगे कि समझदार व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति के बारे में और दूसरा मूर्ख व्यक्ति के बारे में। तो दोस्तों, किसी को अपने पक्ष में करना भी एक कला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अच्छे से समझना। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले व्यक्ति की, किसी बुद्धिमान व्यक्ति को अपने पक्ष में कैसे करें, उससे अपना काम कैसे निकलवाएं। तो इसके लिए चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को पक्ष में करने के लिए आपको स्वयं भी बुद्धिमान होना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति के आगे ज्यादा चालाकी नहीं चल सकती और ना ही आप उसके आगे ज्यादा ईमानदार बने, क्योंकि वो आपके इस बर्ताव को पहचानने में देर नहीं लगाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति से हमेशा बुद्धिमान व्यक्तियों की तरह ही बर्ताव करें, इससे वो व्यक्ति आपकी बातों में जल्दी आने लगेगा। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ज्ञान की बातों में ध्यान देता है, बेकार की बातें करके आप उस व्यक्ति की नजर में अपनी ही छवि खराब कर लेंगे। इसलिए सिर्फ ज्ञान की बातें करें, ऐसे वो व्यक्ति आपकी बातों में आने लगेगा और आपसे मित्रता करने की सोच लेगा। ऐसा करके आप इंसान को अपने पक्ष में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ज्यादा समझदार बनने की कोशिश ना करें, अन्यथा परिणाम उल्टा हो सकता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं मूर्ख व्यक्ति की। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे बुद्धिमान को पक्ष में लाने के लिए बुद्धिमान बनना पड़ा तो मूर्ख को पक्ष में लाने के लिए मूर्ख बनना पड़ेगा। नहीं, मूर्ख व्यक्ति हमेशा अपने आप को समझदार मानता है, उसे लगता है कि मुझसे ज्यादा स्मार्ट कोई है ही नहीं और ना ही हो सकता। ऐसे व्यक्ति को अपने पक्ष में करने का सीधा सा तरीका है कि इसके सामने हमेशा इसकी प्रशंसा करो और इसकी हाँ में हाँ मिलाओ। ऐसे व्यक्ति उसी के पक्ष में होते हैं जो इनकी हाँ में हाँ मिलाता है। बेशक बाद में आप अपना काम निकलवा के जा सकते हो, लेकिन पक्ष में करना है तो ऐसे लोगों को इसी तरह करो। मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि मुझे हर चीज का ज्ञान है और मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, और अपने इसी बर्ताव की वजह से वो हमेशा करता है। तो बुद्धिमान और मूर्ख दोनों को अपने पक्ष में कैसे करना है मैं बता चुका हूँ। अब आपका कोई सवाल है या आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।